हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज बच्चों 3.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसके हमारे तीन पार्ट हैं, अभी जो हम करेंगे वो फर्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। कल जो हमने आपको दो पार्ट कराए थे उसके अंदर 1/x + y और 1/x - y को लेट किया था और आपको बताया था कि भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसके अंदर उस टाइप का है हमारे पास और उसको हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बच्चों स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है और इक्वेशंस को फॉर्म करने की ट्राई करना है। इक्वेशन फॉर्म होते ही सोल्व करना आपको आता है, चार मेथड है, कैसे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। देखें एक बार इसे क्या बोलता है। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। इनको रीड करके इक्वेशन बनाओ और सोल्व करो। क्या है, रितु कैन रो अप डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। मतलब डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम क्या है, ये यही आपको समझना है। इसके लिए हम अलग से बात करते हैं। पहले मान के चलो ये हम यहां पे लिखते हैं डाउन स्ट्रीम, यहां लिखते हैं सॉरी अपस्ट्रीम लिख दिया हमने, यहां पे यहां लिखते हैं डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब कैसे समझोगे आप बच्चों? ये देखो कि मान लो नदी के अंदर, नदी होती है रिवर, रिवर में हम क्या क्या करते हैं, बोटिंग करते हैं। मान लो बोटिंग कर रहे हैं तो बोट है हमारे पास, इलेक्ट्रिक बोट है, हाथ वाली नहीं है, इलेक्ट्रिक बोट है। अगर वो चलेगी तो उसकी स्पीड होगी, हमारे पास बोट की स्पीड होगी और उसके साथ साथ जिस भी नदी में हम गए हैं उसका भी बहाव किसी न किसी डायरेक्शन में होगा। दो ही केस बन सकते हैं, या तो पानी का बहाव ऐसे है और हम भी ऐसे ही बोटिंग कर रहे हैं, या पानी का बहाव ऐसे है और हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बोटिंग कर रहे हैं, उसको नाव को लेके हम जा रहे हैं, बोट को लेके जा रहे हैं। दो केस बनते हैं। तो इसी केस के बेस पे, इन दो केसेस के बेस पे हमारे पास अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट आता है। इसको समझने के लिए बच्चों हम एक बार फिर देखते हैं कि दो बातें मैंने आपको बोल दी, एक तो पानी का बहाव है, दूसरा जो हमारी बोट है उसकी डायरेक्शन है। ध्यान से सुनना, पानी का बहाव मान लो कैसे है, इस ऐसे है, पानी का बहाव ऐसे है और हम भी ऐसे ही बोट को चला रहे हैं। तो पानी का बहाव का मतलब क्या हुआ, उस पानी की स्पीड है कुछ 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कुछ भी स्पीड है, और हमारी जो बोट है उसकी भी स्पीड है, तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो स्पीड कम होगी ज्यादा होगी, ऑब्वियस है ज्यादा होगी, क्योंकि पानी भी ऐसे ही बह रहा है और हमारी स्पीड भी ऐसे ही है, ठीक है। इसका उल्टा केस इमेजिन करो, पानी ऐसे बह रहा है और हम उल्टा चल रहे हैं, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, हमको क्या बोट को लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर मोटर है वो लगाएगी। तो स्पीड हमारी कैसी होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कम होगी। इसी एग्जांपल को आप लोग ऐसे समझो कि मान लो तेज तेज हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है और आप लोग पैदल चल रहे हो, ठीक है। दो ही केस है, या तो आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उसी डायरेक्शन में हवा चल रही है, तो अपनी स्पीड को इमेजिन करो। फिर दूसरा, हवा और आप अपोजिट डायरेक्शन में हो, आप ऐसे चल रहे हो, हवा ऐसे चल रही है, फिर अपनी स्पीड को इमेजिन करो, ठीक है बच्चों। जब दोनों चीज सेम डायरेक्शन में होती है तब तो स्पीड हमारी प्लस होती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तब स्पीड हमारी कैसी होती है, माइनस होती है, ठीक है बच्चों। ये कंसेप्ट है हमारा और कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक। अब इसके लिए देखो, जब भी हमारे पास अपस्ट्रीम आएगा स्पीड हमारी माइनस होगी, जब भी डाउनस्ट्रीम आएगा स्पीड हमारी प्लस होगी। बच्चों क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। कि भाई वो डाउनस्ट्रीम में 2 घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है और अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, टाइम वही 2 घंटे है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो उसकी स्पीड निकालनी है जब पानी शांत है, शांत मतलब ठहरा हुआ है, उसकी कोई स्पीड नहीं है, और दूसरा उसकी स्पीड ऑफ करंट निकालनी है, बोट की स्पीड निकालनी है। दोनों स्पीड को हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वॉटर, रोइंग मतलब
बोटिंग करना, नाव चलाना, कितनी लैट कर लेते हैं हम बच्चों, एक्स किलोमीटर पर आर लैट कर लेते हैं, और एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब जो पानी है उसकी स्ट्रीम की स्पीड, उसकी क्या लैट कर लेते हैं, वाई किलोमीटर लैट कर लेते हैं। अब आप खुद सोच के बताओ, पानी की स्पीड और बोट की स्पीड, किसकी स्पीड ज्यादा होती है, बोट की स्पीड ज्यादा होती है। तो जब हम ऐड करेंगे तो सिंपली एक्स प्लस वाई कर देंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ज्यादा में से कम को करते हैं, ज्यादा स्पीड कौन है, एक्स है। एक्स क्यों है, क्योंकि बोट की स्पीड है, किससे ज्यादा है, पानी की स्पीड से, पानी की स्पीड कम होती है, बोट की हमारी 78 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, वो उसकी मोटर पे डिपेंड करती है, ठीक है, वो हमारी ज्यादा होती है। तो बच्चों डाउन स्ट्रीम में स्पीड आ जाएगी, और ऐसे ही हम अप स्ट्रीम में स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी बच्चों, अभी आपको बताया हमने। फिर ऐसे ही हम डाउन स्ट्रीम में निकाल सकते हैं, तो बस बच्चों आपको ये याद रखना है, जो यहां पे हमने ये स्पीड लिखी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस होगी, अप स्ट्रीम में माइनस होगी। डाउन स्ट्रीम मतलब कि वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, स्पीड ज्यादा है, अप स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, स्पीड कम है। ये कंसेप्ट याद रखना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले इंपॉर्टेंट सम होते हैं। ये बच्चों आ चुकी है हमारे पास, आप देखें ATQ बनाते हैं हम, क्या बोलता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, कौन से में, डाउन स्ट्रीम में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डाउन स्ट्रीम, इन 2 आवर्स इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। तो बच्चों डिस्टेंस निकालना हमें आता है, क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस यहां लिख दिया इसने कितना, 20। स्पीड कौन सी, अगर डाउन स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड लेंगे, कितनी है, एक्स प्लस वाई, और टाइम कितना है हमारे पास, 2, इससे कैंसल आउट हो जाएगा ये, तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। फिर ऐसे ही हमारे पास अपस्ट्रीम में भी आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स, कितना डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये भी बच्चों डिस्टेंस तो 4 किलोमीटर आ गया, और क्या क्या है यहाँ पे, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या थी, माइनस थी, और टाइम तो वही है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया बच्चों। अब क्या करोगे आप लोग, कैंसिल आउट कर देना, 1 है 2 है, वाई है और माइनस वाई है, ऐड करोगे तो वाई खत्म हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12 आएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, 6 को यहां पुट करोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है बच्चों, यही है हमारे पास। फिर लास्ट में लिख देना,